अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्की फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है, सोचा क्यों नहीं कि स्ट्रॉबेरी केक बनाते हैं, जो कि झटपट रेसिपी बनेगी फ्रेश स्ट्रॉबेरी केक। फिर हम इसका स्पंज बनाएंगे, फिर इसकी डेकोरेशन कैसे करेंगे इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तो आते हैं स्पंज की तरफ और उसको बनाते हैं झटपट। मेरा आपसे वादा है कि शेफ होगा अब हर घर में। तो आते हैं स्पंज बनाते। ये चार अंडे चले गए आपके, एक स्पंज बनेगा 2 पाउंड का जिसे हम कहते हैं। चार अंडे डालने के बाद इसके अंदर कास्टर शुगर, दानेदार चीनी जो आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं ये डल जाएगी, और साथ ही हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एसेंस के चंद कतरे डालेंगे ताकि इसका जो अरोमा है, अंडे की जो स्मेल जिसे कहेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे इसको फ्लफी करेंगे, ठीक है। इतनी देर स्टार्ट करेंगे इसको फ्लफी करेंगे, 2 मिनट लगें, 5 मिनट लगें या 10 मिनट लगें, इसका टेक्सचर नोट करेंगे। अच्छा जी, स्पंज हो गया हमारा रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसका टेक्सचर दिखाता हूँ आपको, और ये 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या लगे 10 मिनट, तो आपने इसके टेक्सचर को फॉलो करना है। क्रीमी फॉर्म में आ जाए इसका टेक्सचर, तो आपने कोई भी स्पंज लगाना है वो इसी तरीके से लगेगा। ये देखिए इसका टेक्सचर नोट कीजिए। अब हमने इसमें टाइम मेंशन नहीं किया, टाइम को नोट नहीं किया, ना टाइम को हम नोट करेंगे, हम सिर्फ इसके टेक्सचर को नोट करेंगे, ठीक है। रेगुलर जो आप घर में यूज़ करते हैं, ये ऑयल डल गया इसके अंदर, चंद कतरे डाल दूंगा इसके पिंक कलर के, जो कि मिल्की फूड का पिंक कलर है, ताकि जो स्ट्रॉबेरी का कलर है वो सेम ऐसा हो जाए। अब इसमें मैदा, जो 100 ग्राम मैदा है, इसको 3-4 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे, अब आपका स्पंज अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैदा ऐसा मिक्स हो गया कि इसके अंदर मैदा कहीं गुंजाइश नहीं है मैदा रहने की, क्योंकि आपने मिक्सिंग इस तरीके से की है इसकी। अच्छा जी, अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो 7 इंच का आपने मोल्ड लेना है। 7 इंच के मोल्ड में आपका 2 पाउंड का स्पंज बनता है। इसमें आपने भरना है इसको और कर देना है बेक 170 पे, और तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर ये बेक होकर बाहर आ जाएगा। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉबेरी स्पंज हमारा रेडी हुआ। ये देखें तो थोड़ा सा ठंडा करते हैं और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ कि कितना परफेक्ट स्पंज बना है माशाल्लाह, और ये अभी फिलहाल गर्म है। तो देखा आपने, हमने स्पंज रेडी किया क्रीम विप की, और जो हमने स्ट्रॉबेरी के स्लाइस किए तो वो किस तरीके से किए, क्या आप केक के ऊपर बड़े खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेशन कर सके। अब हम इसकी लेयरिंग लगाते हैं और करते हैं इसको बिल्कुल फाइनल, इसको फाइनल लुक देते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्ट्रॉबेरी केक किस तरीके से बनाया जाता है। तो जनाब देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक हुआ रेडी। ट्रांसपेरेंट जेल डाला हमने ऊपर, पानी हल्का सा ऐड किया, उसको पूरे केक को हमने कवर किया ताकि जो आपकी स्ट्रॉबेरीज हैं वो फ्रेश दिखे। तो पूरे केक को ऐसे ही कवर किया, स्ट्रॉबेरी को चॉप किया, पूरा तरीकाकार आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया। इसके अलावा इस केक को आपने सेल कितने का करना है, तकरीबन 1500 से 1800 रुपये का ये केक सेल होगा, क्योंकि ये 2 पाउंड से ज़्यादा है। जब फ्रेश स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर लग गई तो उसकी वजह से इसका वेट बढ़ गया, तो आप लोगों ने इसको 1500 रुपये मैक्सिमम आपने इसको सेल करना है। इसके अलावा आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि जो हम 2 पाउंड का स्पंज बनाते हैं उसके अंदर हम 4 अंडे यूज़ करते हैं, तो अब आप उसके अंदर 2 अंडे यूज़ करेंगे।
क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि बेक हाउस ने आपके लिए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट निकाला है जिसके ऊपर हमने काफ़ी वर्किंग की है, यानी कि अंडों का रिप्लेसमेंट किया है। एक पाउडर हमने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अब मार्केट में आ जाएगा। तो जो अंडे अब महंगे हो गए, सर्दी की वजह से महंगे हो गए, आम रूटीन में भी अंडे महंगे हैं, तो अंडों को कम करेंगे, 4 अंडों की बजाय 2 अंडे डालेंगे, और उसके साथ वो जो हमने पाउडर बनाया है वो आप डालेंगे, तो इंशाल्लाह वो 4 अंडों का काम करेगा। तो इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द बेक हाउस से आपको मिलेगा। आपने इसी के साथ मुझे देनी इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।